Hi everyone, I'm Gurleen. I hope you all are doing well and keeping safe. Welcome to the daily market analysis. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक quick मार्केट आउटलुक की और हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी and बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग प्लान फॉर थर्सडे दैट सेप्टेम्बर फोर्टीन 2023. हम कुछ स्टॉक की भी बात करने वाले हैं जिनमें काफी इंटरेस्टिंग रिस्क टू रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं तो बने रहिएगा वीडियो वीडियो के एंड एंड तक मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू गिव दिस अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट चलिए विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं आज का वीडियो विद डेली टाइम फ्रेम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम से अगर हम शुरुआत करें तो जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियो से डिस्कस करते हुए दिखा है लेवल ऑफ नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी फाइव विद सेल्फ एंड जैसे की हमने डिस्कस किया था इन द वीकली मार्केट एनालिस एक्सटेंडेड लेवल ऑफ कम्प्लीशन और पॉइंट डी फॉर दिस पैटर्न इज प्लेस एट द लेवल थाउजेंड एटी सेवन ना यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर दैट हमें लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन से

एज पर हार्मोनिक पैटर्न जो कि हमें वीकली टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रहा है नाउ दिस इज केस नंबर वन अगर हम यहाँ बात करें दैट वॉट इफ अगर हमें इस लो का एट द लेवल ऑफ नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टीन कोई भी ब्रेक डाउन देखने को मिलता है देन इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट आफ्टर सच अ वर्टिकल रैली ऑन द अप साइड अब हमें निफ्टी में एक माइनर डिप या पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है इफ निफ्टी टेक्स आउट दिस लेवल ऑफ नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टीन ऑन द डाउन साइड एंड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में लेकर डाउन साइडेक्ट दॉलिटिलिटी टू रिमेन एलिवेटेड अब बात करते हैं निफ्टी के आर्ली टाइम फ्रेम की जहाँ आप काफी क्लियरली नोटिस कर सकते हैं निफ्टी में एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है फ्रॉम द लोज एंड देर आफ्टर यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व

में हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलता है या फिर लो का ब्रेक डाउन देखने को मिलता है चलिए बात करते हैं विद ब्रेकआउट अगर हमें निफ्टी में 20,110 के लेवल्स का कोई भी ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज ब्रेकआउट के चलते हमें निफ्टी में 20,195 से लेके 20,225 तक के लेवल्स का एक टेस्ट ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है एंड ऑन द फ्लिप साइड अगर हम यहाँ बात करें एक ब्रेक डाउन की तो अगर हमें निफ्टी में 19,915 एंड इस 40 ई एम लेवल का भी ब्रेक डाउन देखने को मिलता है विच इज समेयर प्लेस्ड अराउंड लेवल्स ऑफ नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी टू देन इसके चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें निफ्टी में वीकनेस देखने को मिल सकती है जिसके चलते निफ्टी नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड से लेके नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी फाइव तक के लेवल्स को यहाँ पर टेस्ट कर सकता है ऑन द डाउन साइड एंड वेल यू कैन कीप दीज लेवल्स हैंडल एंड चलिए अब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की निफ्टी में सपोर्ट लेवल शुरूआत करें तो इट्स प्लेस एट नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनोड बाई नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड से बात करें तो इट्स प्लेस एट ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड टेन फॉलोड बाई ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें ऑन द डेली टाइम फ्रेम तो आप यहाँ पर काफी क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्रेक आउट ऑफ दिस पिवट बी एड

some downside level

इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं जो की लेवल है हमारे पास का एंड से फ्रॉम द अगर हमें इन पर कोई भी रिवर्सल कैंडर्ड्स एक पैटर्न फॉर दैट मैटर देखने को मिलता है हम कर सकते हैं यहां पर इस सपोर्ट एक्शन के चलते हमें वंस अगेन प्रीवियस हाइस का एक टेस्ट देखने को मिल सकता है एंड लेट्स That over here, अगर हमें कोई भी पुल बैक देखने को नहीं मिलता है एंड स्ट्रेट अवे हमें बैंक निफ्टी में फोर्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी तक के लेवल्स का एक ब्रेक आउट देखने को मिलता है then, all, जैसे की हमने पर किया, हमारे पास बैंक निफ्टी में एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है एट द लेवल्स ऑफ फोर्ट सिक्स थाउजेंड फिफ्टी फाइव सो ओवर ही हम एक जो यहाँ कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम द लेवल ऑफ फोर्टी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी टू द लेवल ऑफ फोर्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी फाइव और अगर हमें बैंक निफ्टी में इन हाइज का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है देन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें बैंक निफ्टी में इन बिलो दीज पर्टिकुलर लेवल ऑफ फोर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन फॉलोड बाई द फोर्टी यानी की जस्ट इन केस अगर हमें बैंक निफ्टी में वीकनेस देखने को मिलती है और बैंक निफ्टी स्लिप

उजेंड फॉलोड बाय फोर्टी चलिए स्टॉक्स की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं के से जहां आप देख सकते हैं एंड अलॉन्ग विद इट एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो हमारे पास रहता है वो एक ट्रेंड रिवर्सल रहता है एंड नाउ एट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट आप देख सकते हैं हमारे पास जो है, इस पैटर्न में दैट्स प्लेस्ड एट द्स एटी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो एंड अभी तक हमें इस का कोई भी ब्रेक डाउन देखने

ब्रेकआउट ऑफ दिस पिवर डी एट द लेवल ऑफ एट हंड्रेड एटी अप्रोक्सिमेटली हमारे पास स्टॉक में एक हार्मोनिक पैटर्न ट्रिगर हुआ जिसके चलते हमें ऑन द हायर साइड एक काफी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है एंड स्टॉक

काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है एंड हमने स्टॉक की बात वीकली well so को एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं अब अगर हम बात करें अबाउट द अपसाइड पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर काउंटर तो आप यहाँ पर काफी क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट आज हमें एक काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है एंड विद रिकवरी हमारे पास